हमारे ट्रक में चावल और हरा सब्जी बनकर रेडी है और जिया जी अभी निकाल रहे हैं गाइस थाली में। चलो थाली में निकाल दिया गया है सब्जी और चावल और यही आज का हमारा खाना है गाइस गाड़ी में। गाइस सुबह से शाम हो चुका है और हमारा गाड़ी का माल खाली होने वाला है। तो दोपहर को क्या हुआ कि जो यहाँ पर लेबर है जो खाली करने वाला गाड़ी वो पहले मांग रहे थे पैसा, तो हम लोग पैसा पहले दिए उसके बाद फिर गाड़ी का माल जो खाली हो रहा है। तो हम लोग दिन में सो लिए हैं, गाड़ी का माल खाली होगा फिर काटा करवा के फिर गाइस हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो देख सकते मेरे पीछे इस तरीके से यहाँ पे अंडा का जो फार्म है और मुर्गा जो रोज़ मुर्गी अंडा रोज देती है और अभी भी एक ट्रैक्टर है जो अंडा गया एकदम भर के। तो गाइस देख सकते हैं पूरा एकदम अंडा है जो रोज सुबह सुबह निकाला जाता है। गाइस अभी हम लोग गाड़ी माल खाली कर लिए हैं, कोल्ड ड्रिंक पी के फिर यहाँ से निकलेंगे। देख सकते हैं फार्म किस तरीके से बना हुआ है, इसी में खेती भी होता है और इधर मुर्गा का दाना खाली किए हैं, उधर एकदम फार्म है भाई बहुत बड़ा एकदम। तो देख सकते हैं कैसा रास्ता है एकदम पतला। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस अभी सुबह के बज चुके हैं 6:30 और गाइस हम लोग अभी हैं गुजरात में। तो गुजरात बॉर्डर पार करे हुए हो गए गाइस, 100 किलोमीटर आगे आ चुके हैं हम लोग गुजरात बॉर्डर से। और भाई क्या हुआ कि हम लोग इस टाइम पे जहाँ पे गाड़ी का माल खाली होगा वहाँ पे पहुँच जाते हैं, मगर क्या हुआ कि 2 घंटा पूरा गुजरात बॉर्डर पे हम लोग खड़े रह गए, इतना बहुत लंबा है जाम लगा हुआ था। गाइस अभी इलेक्शन का टाइम है तो इस कारण से अभी चेकिंग कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। तो राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रहा था बॉर्डर पे, तो और भी ज़्यादा गाइस चेकिंग चल रहा है, जितने भी छोटी गाड़ियाँ हैं कार है उन सब का चेकिंग चल रहा है गाइस। बाकी ट्रक को तो ऐसे रोकते नहीं है वो लोग पुलिस वाले। तो चलो गाइस अब हम लोग अभी रुके हुए हैं इधर साइड में गाड़ी का टायर वर देखने के लिए। तो गाड़ी का टायर देख लिया मैंने और अब हम लोग निकलेंगे गाइस। रात भर जो गाड़ी चलाए थे और 9-10 बजे तक हम लोग जहाँ पे गाड़ी का माल खाली होगा वहाँ पे पहुँचेंगे। तो अभी तक लोकेशन मिला नहीं हमको, तो अभी 8 बजे के बाद फ़ोन करूंगा गाइस जो हमारे पार्टी वाले हैं जिनका माल है गाड़ी में। फिर आनंद है जगह का नाम, वहाँ पे गाड़ी का माल है जो खाली होगा हमारे। तो अहमदाबाद में असलाली से मुड़ेंगे हम लोग बाएं तरफ, बड़ोदरा से पहले पड़ता है गाइस असलाली। तो गाइस असलाली के बाद आनंद आता है और आनंद के बाद गाइस पड़ता है बड़ोदरा। चलो चलते हैं अब यहाँ से और आगे जाकर डीजल भी लेना होगा क्योंकि गाड़ी में डीजल भी अभी कम है गाइस, तो 4 उंगली डीजल है। तो यहाँ से कम 70 किलोमीटर और जाएगा शायद गाड़ी, उसके बाद फिर डीजल लेना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं यहाँ से वहीं पे जाके गाड़ी का माल जहाँ पे खाली होगा वहीं पे ब्रश करेंगे, जिया जी ब्रश करेंगे और वहीं पर खाना वाना बनेगा गाइस। तो अभी देख सकते हैं सूर्य भगवान उग चुके हैं बढ़िया एकदम। और इधर गुजरात में खेती बाड़ी कुछ ज़्यादा ही है गाइस, इधर भी बढ़िया एकदम खेती बाड़ी होता है। तो गाइस अहमदाबाद का जो मेन सिटी है तो सिटी के बिल्कुल बीचों बीच बाईपास रोड बना हुआ है, तो देख सकते हैं मेन अहमदाबाद का सिटी में हम लोग घुस रहे गाइस। उधर से पूरा नो एंट्री लगा हुआ रहता है, इधर बड़ा गाड़ी जाता नहीं है, बस यहीं तक लास्ट है। तो अब हम लोग यहाँ से मुड़ेंगे बाएँ तरफ, उधर गाइस असलाली की तरफ हमको जाना है। तो ये ब्रिज के नीचे इधर जाएंगे। एंड गाइस इधर है जो मेन अहमदाबाद का जो सिटी है वो है इधर, और बीच में 3 टोल भी पड़ता है गाइस। तो सिटी में टोल पे बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाता है, एकदम जाम लगता है। तो अभी सुबह देखते हैं जाम मिलता है कि नहीं मिलता है, अभी सुबह के 8 बज गए हैं। और यहाँ से मुंबई 532 किलोमीटर है और अहमदाबाद मेन सिटी 15 किलोमीटर इधर, और गांधीनगर जो है वो इधर पड़ता है गाइस देख सकते हैं, और सरदार पटेल रिंग रोड वो इधर पड़ेगा बाएं तरफ। तो हमको जाना है बड़ोदरा, तो असलाली से होके जाएंगे हम लोग। तो गाइस गांधीनगर इधर ब्रिज के नीचे से उधर जाएंगे दाएं तरफ, और यही गाइस जो सामने देख रहे हैं आप यहाँ पे मेन चौक बना हुआ है, और इस चौक पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है शाम के टाइम में।
भाई यही देख सकते हैं मेन चौक है ये, गांधीनगर अगर जाना है तो इधर से दाएं तरफ मारना पड़ेगा, हम लोग को जाना है बाएं तरफ, मेन सिटी में हम लोग अभी जा रहे हैं। चलो अब 100 किलोमीटर और चलना है गाइस, फिर गाड़ी का माल जहाँ पे वहाँ पे खाली हो जाएगा। गाइस अभी हम लोग रुके हुए हैं एक पेट्रोल पंप पे, और यहाँ पे मैंने ब्रश कर लिया है और कुल्ला करना बाकी है अभी। तो यहाँ पे भाई साहब एक आए हुए थे सब्जी बेचने के लिए, तो हम लोग ले लिए गाइस सब्जी, तो जहाँ पे गाड़ी का माल खाली होगा वहीं पे गाइस बनाया जाएगा। तो ले लिया टमाटर आलू पालक, तो चलो दाल या फिर सब्जी कुछ ना कुछ बनेगा, उसको रख देता हूँ गाइस कुल्ला करके, यहाँ से डीजल लेके फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और गाड़ी खाली होने से पहले कांटा होगा, उसके बाद फिर खाली होगा गाइस गाड़ी आनंद के पास में, तो मेन हाईवे पे ही जिनका माल है वो आएंगे, उन्होंने से बात हुई अभी, तो लोकेशन बोले लोकेशन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग आएंगे तो मिल जाएंगे मेन हाईवे पे ही। चलो अब मिल जाएंगे तो सही रहेगा, वैसे लोकेशन से भी हम लोग पहुँच जाते हैं। अब डीजल लेके हम लोग यहाँ से निकलेंगे गाइस, 17 किलोमीटर यहाँ से अभी जाना है आनंद। हम लोग अभी आनंद में आ गए हैं, और आनंद का जो अभी जो शहर है एकदम बीचों बीच उधर के साइड हम लोग जा रहे हैं गाइस, इधर थोड़ा सा भीड़ भाड़ इलाका है और छोटा गाड़ी बहुत ज़्यादा है देख सकते हैं। और जो पार्टी वाले वो एक आदमी भेजे, तो उनके पीछे पीछे हम लोग जा रहे हैं गाड़ी का माल खाली करने के लिए। चलो देखते हैं कहाँ पे गाड़ी का माल है जो खाली होगा। गाइस जहाँ पे गाड़ी का माल खाली होगा वहाँ पे पहुँचने वाले हैं, एकदम गांवी क्षेत्र में गाइस हम लोग को लेके आ गए हैं, वो देख सकते हैं इधर एकदम गांवी क्षेत्र है। अब देखते हैं और कितना दूर है गाइस यहाँ से, तो एकदम गांवी क्षेत्र की तरफ हम लोग आ गए। इधर तालाब है गाइस उधर साइड में बहुत बड़ा, और इधर रोड देख सकते हैं कैसा है, और इधर ही गाड़ी का माल खाली होगा देख सकते हैं। हम लोग एकदम आ गए हैं यहाँ पे गाड़ी का माल खाली करना है, तो यही रोड है गाइस बहुत खतरनाक एकदम, दोनों साइड एकदम ही गांवी एरिया है, सामने से गाड़ी आ जाएगा तो पैक करना पड़ेगा, कहाँ तक पैक करेंगे बहुत आगे आ चुके हैं हम लोग। वो यहाँ से घूमना है दाएं तरफ, देख सकते हैं कितना पतला गली है। हम लोग मेन लोकेशन पे आ गए हैं, गाड़ी लगा दिया गाइस इधर साइड में, और एकदम गाँव में हम लोग आए हुए हैं अभी देख सकते हैं, और यहाँ पे भाई मुर्गी फार्म है। और गाइस हम लोग अभी आ चुके हैं जहाँ पे गाड़ी का माल खाली होगा, और हमने रास्ते में ले लिया था गाइस सब्जी, हरा सब्जी देख सकते हैं, ये है तोरी गोगना बोला जाता है जिसको, टमाटर आलू, तो आलू को और जो हमारा तोरी है इसको छील लिया मैंने, पालक मैंने काट दिया है बस इसको धोना बाकी है, चावल हमारा है गाइस बन रहा है अभी 5 मिनट के अंदर चावल हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। चलो जब तक यही आलू को और जो तोरी है उसको काट लेते हैं, फिर गाइस यही सब्जी बनेगा आज हमारे गाड़ी में। तो हम लोग जहाँ पे गाड़ी का माल खाली करने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे भाई मुर्गा फार्म है। हाँ तो गाइस हमारा है जो आलू काट लिया है मैंने, अब इसके अंदर काट देते हैं, देख रहे हैं ये इसका तोरी बोला जाता है, तो इसको भी मैंने छील दिया गाइस, इसके ऊपर इसका जो ऊपर परत था वो थोड़ा मोटा था तो इसलिए इसको मैंने छील दिया है। तो गाइज यही 3-4 आइटम मिक्स में सब्जी बनेगा, और टमाटर का लास्ट में काटा जाएगा, अभी धो जा के रख दूंगा, और धनिया भी गाइज है तो वो भी जब सब्जी तैयार होगा तब लास्ट में गाइज डाला जाएगा। चलो हमारा सब्जी काट लिया मैंने, अब इसको सिर्फ धोना है धो के, और उसके बाद फिर गाइस मसाला रेडी करते हैं, और चावल हमारा है जो तैयार होने वाला है। हमारा कढ़ाई जो गर्म हो गया था इसके अंदर सरसों का तेल डाल के हरा मिर्ची और प्याज डाल दिया मैंने, और हरा मिर्ची और प्याज दोनों हल्का लाल होने वाला है। अब गाइस इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले आलू और तोरी जो था इसको धो रखे थे, चलो ये डाल देते हैं गाइस। तो हमारे ट्रक में यही सीधा सिंपल खाना बन रहा है, फिर यहाँ से गाड़ी का माल खाली करके हम लोग जाएंगे, तो वहाँ पे गाइस बनाएंगे कुछ और। तो चलो मैंने सब्जी जो डाल दिया है कढ़ाई के अंदर, अब इसको गाइस हल्का भूजा जाएगा, और उसके बाद फिर इसके अंदर पालक और लहसुन और जो मसाला है वो सब डालेंगे गाइस। हमारा आलू और जो तोरी था वो दोनों एकदम बढ़िया से
पक गया है, हल्का हल्का लाल हो गया गाइस। अब इसके अंदर डाल देंगे पालक। ये हरा सब्जी आज का हमारा खाना होगा गाड़ी में गाइस। पालक मैंने डाल दिया है, अब इसके अंदर डाल देते हैं हल्का नमक। तो इससे क्या होगा कि जल्दी थोड़ा सा गल जाएगा पालक और सिक जाएगा गाइस। तो गाइस मैंने नमक भी डाल दिया है और टमाटर मैंने काट दिया है, वो लास्ट में डाला जाएगा। अब इसको मिक्स कर लेते हैं और ढक के और इसको बढ़िया से भूनना पड़ेगा, कम से कम 8 से 10 मिनट। जो सब्जी भून दिए बढ़िया से, अब ये जो चिपकने लग गया हल्का बर्तन के अंदर, अब इसके अंदर गाइस डाल देते हैं तरी के लिए पानी। तो हमारा सब्जी भी आधा है जो पक गया है और मसाला बढ़िया से जो सेक गया है एकदम। तो भाई तरी के लिए मैंने पानी डाल दिया है, अब इसको ढक देते हैं गाइस। और हमारा जो सब्जी 10 से 15 मिनट में गाड़ी में बन के और रेडी हो जाएगा गाइस। हाँ तो गाइस देख सकते हैं हमारे ट्रक में चावल और हरा सब्जी बन कर रेडी है और जिया जी अभी निकाल रहे हैं गाइस थाली में। चलो थाली में निकाल दिया गया है सब्जी और चावल और यही आज का हमारा खाना है गाइस गाड़ी में। हमने पंखा चला दिया है देख सकते हैं और पानी भी बोतल में भर के और इसको भिगो दिया गाइस, तो पानी एकदम बोतल का जो ठंडा हो जाएगा। चलो खाना खा लेते हैं। अब हमने पंखा चला दिया है गाड़ी में, मिक्स सब्जी पालक डाल के, आलू पालक टमाटर और तोरी सब डाल के मिक्स सब्जी बन के रेडी है गाइस। तो खाना एक नंबर लग रहा खाने में, और हरा सब्जी भी हो गया था बनाया हुआ कम से कम 6-7 दिन। कोलकाता में थे उधर बनाए थे, फिर रास्ते में बनाए थे भिंडी का भुजिया। तो भाई अभी कुछ पता नहीं चल रहा है गाड़ी का माल खाली कब होगा, तो गाड़ी का जो सील है पीछे डाले का वो यहाँ के जो है पार्टी वाले वो तोड़ दिए हैं, और गाड़ी खाली होगा फिर पता चलेगा कि लोडिंग गाड़ी खाली करने का कितना रुपया लगेगा, मतलब कुछ पता नहीं है गाइस। तो अभी दोपहर का टाइम है, हम लोग तो गाड़ी का माल शाम को होगा खाली। अभी जो लेबर है वो लोग आए नहीं है, वो लोग लंच में गए हैं घर पे खाना खाने के लिए। उनको आने के बाद गाड़ी का माल खाली होगा गाइस। तो ये एकदम आउट क्षेत्र में गाइस हम लोग आए हुए हैं अभी, और यहाँ पे जितना भी खेत है सब में बाजरा बोया हुआ है। अभी बाजरा का है जो इतना बड़ा बड़ा एकदम डंठल है गाइस। तो गाइस सुबह से शाम हो चुका है और हमारा गाड़ी जो गाड़ी का माल खाली होने वाला है। तो दोपहर को क्या हुआ कि जो यहाँ पर लेबर है जो खाली करने वाला गाड़ी, वो पहले मांग रहे थे पैसा, तो हम लोग पैसा पहले दिए, उसके बाद फिर गाड़ी का माल जो खाली हो रहा है। तो हम लोग दिन में 100 लिए हैं, गाड़ी का माल खाली होगा फिर काटा करवा के फिर गाड़ी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो देख सकते हैं मेरे पीछे इस तरीके से यहाँ पे अंडा का जो फार्म है और मुर्गा जो रोज़ मुर्गी अंडा रोज देती है, और अभी भी एक ट्रैक्टर है जो अंडा गया है एकदम भर के। तो गाइस देख सकते हैं पूरा एकदम अंडा है जो रोज सुबह सुबह निकाला जाता है। ये रही हमारी गाड़ी, गाड़ी का माल खाली कर चुके हैं और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। और देख सकते हैं एकदम गांवी क्षेत्र में एकदम हम लोग आए थे गाड़ी का माल खाली करने, और खाली हो गया है एकदम। ऐसे ही सिंगल रोड में एकदम जाना है हमको कम से कम 4-5 किलोमीटर, सामने से गाड़ी आ जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा गाइस। अब देखते हैं क्या होगा। अब यहाँ से निकल रहे हैं और अभी शाम का टाइम है, बाढ़ होगा और देख सकते हैं फार्म किस तरीके से बना हुआ है। इसी में खेती भी होता है, और इधर मुर्गा का दाना खाली किए हैं, उधर एकदम फार्म है भाई बहुत बड़ा एकदम। तो देख सकते हैं कैसा रास्ता है एकदम पतला। तो ये तो कोलकाता में हम लोग एक जगह गए थे गाड़ी माल लोड करने, उससे भी पतला रास्ता है गाइस। और इधर नीम का पेड़ है। इधर हम लोग बस बाहर निकलने वाले हैं सिटी में,
शाम का टाइम है एकदम। और इधर गांव में देखो तालाब भी है गाइस। गाइस अभी हम लोग गाड़ी माल खाली कर लिए हैं, कोल्ड ड्रिंक पी के फिर यहाँ से निकलेंगे। अभी हम लोग आ गए मेन रोड पे, वहाँ से ले लिए 12 अंडा। तो यहाँ पे अंडा सस्ता है गाइस, तो इधर अंडा फार्म भी है बहुत सारा इस कारण से। तो हल्के हल्के जो अंडे डैमेज रहते हैं वो सब 4 रुपये एक मिल रहा था, और अंडा का साइज भी बहुत बड़ा था। और ये हमने लिया है एक दर्जन, तो 70 रुपये का 12 अंडा मिला है कोल्ड ड्रिंक में। गाइस अभी रात के बज चुके हैं 8:30, हम लोग अभी मेन हाईवे पे आ गए गाइस, 6 लाइन रोड पे हैं असलाली ऑफिस पे। देख सकते हैं रात का टाइम है, चावल और दाल बन रहा है गाइस। ये रात का हमारा खाना होगा, दाल पूरा रेडी करके रख दिया है मैंने, चावल बनने के बाद दाल भी उठाया जाएगा। तो हम लोग बनाएंगे गाइस शाम को दाल और चावल और आलू का चोखा। चलो खाना खा लेते हैं, फिर यही खाना पीना खा के और गाइस सोया जाएगा आराम। हमारा रात का खाना हो गया है दाल चावल और आलू का चोखा। अब हम लोग यहीं पे सो रहे हैं गाइस गाड़ी में। तो गाड़ी मेन असलाली जो है जगह है अहमदाबाद मेन सिटी से थोड़ा सा पहले, यहीं पे गाड़ी लगा रखे हैं। अब यहीं पे खाना खा लिया है, सोएंगे और उसके बाद अब सुबह का इंतजार करते हैं। सुबह फिर कल पता चलेगा लोडिंग कल 10 बजे तक मिलता है या फिर शाम को होता है डीओ, कल पता चलेगा गाइस। तो भाई कैसा लगा मेरा ब्लॉग वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गाइस मिलते हैं अपन जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।